जनरेट होने चाहिए और जो आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट है और आजू बाजू का एरिया देखते हुए उसी हिसाब से प्लानिंग किया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या सेल्स जनरेट हो सकते हैं करके। सर हमने देखा था डी वी प्लान 34 तभी आया था, तो बहुत सारे एन जी ओज थे और फाउंडेशन से अगेंस्ट में थे और ये कह रहे थे कि बिल्डर और डेवलपर को फायदा हो रहा था। कोई भी फायदा नहीं है जब तक जीपी रिलीज नहीं होता है, जब तक क्लियरिटी नहीं आती है, जब चीज़ें सब क्लियर नहीं होती है तब तक कोई भी मूवमेंट है नहीं, और उसकी वजह से इम्पैक्ट थोड़ी सी जब तक वो रिलीज नहीं होता है तब तक मार्केट की स्टेबिलिटी आने में तकलीफ ही है। जब तक डीपी रिलीज होगा तब स्टेबल होगा, फिर आगे अपने उसको टारगेट कर सकते हैं, सेल्स शायद तब शायद सुधरने चाहिए एक बार डीपी रिलीज होने से। सर एक सर्वे बता रहा था कि जो भी बिल्डर से डेवलपर है मुंबई में उनको काफ़ी लॉस हो रहा है उनके प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बड़े बड़े साइज पर बिल्डिंग बनते जा रहे हैं तो ये चेंज ही नहीं हो रहा उसमें, तो किस तरह से आप इनिशिएटिव लोगे? फिलहाल तो बिल्डर लॉस में ही है, तो फिलहाल तो टेंशन ही है सब सारा के साथ है, बस ये थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाए और अच्छा उसमें ही सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी बढ़ाए और थोड़ा सेल्स के ऊपर टारगेट करें तो स्थिति सुधर सकती है। ऋषभ जी इसको थोड़ा पॉलिटिकल वे में, ये है हमारा विजन, ये है हम लोग जो इधर फ्लैट लेंगे जयमृत में दे विल फील लाइक दैट, दे विल फील, उनको वो टाइप का फील आना चाहिए, वो टाइप का हम लोग फील देंगे उनको, दैट इज अवर विजन, दैट इज व्हाई इट इज देयर। सो विंटेज कार में बैठेगा तो हाउ रॉयल यू विल फील, वैसे टाइप का उसका दैट फीलिंग यू विल गेट, वो हमारा इंटेंशन है।